गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे हम कार्ल मार्क्स के नियमों के अनुसार। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया है उसको आज हम प्रस्तुत करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जब उपभोग की वस्तुएं सीमित थी तो उत्पादन भी सीमित था, लेकिन जब उद्देश्य उपभोग की वस्तुओं को प्रदान कराना नहीं होकर लाभ कमाना होता है तो उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है। तो जब उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, पहले तो उत्पादन का उद्देश्य जो था वो उपभोग था कि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान समय में या कुछ समय पूर्व से जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति है वो चली आ रही है। तो लाभ कमाने की प्रवृत्ति की वजह से जो छोटे छोटे कार्य थे या छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनका स्थान फैक्ट्रियों ने ले लिया, बड़ी बड़ी मिलों ने, बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया, जिसकी वजह से ज्यादा श्रमिक वहां इकट्ठे हो गए। और ज्यादा श्रमिकों के इकट्ठा होने से एक श्रमिकों का वर्ग बन गया, और एक वो वर्ग जिसका व्यापार था, जिसकी मिलें थी, जिसके कारखाने हैं, वो वर्ग, और एक वर्ग वो बन गया जो उसमें काम करता है। तो इस प्रकार से उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन हुआ तो उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन हुआ। जब उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हुआ तो दो वर्ग समाज में बन गए। एक वर्ग जो व्यापारी वर्ग था, जिसका कार्य लाभ कमाना था, उसे हम पूंजीवादी वर्ग के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ग जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में काम करता है, उसे हम श्रमिक वर्ग के नाम से जानते हैं। तो जब समाज में दो वर्ग बने तो उनके उद्देश्य भी अलग अलग हो गए। जिन्होंने पूंजी लगाई है, व्यापार प्रारंभ किया है, जो व्यापार कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, और जो श्रमिक है वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहती है। तो व्यापारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए वो श्रमिकों के श्रम से भी पैसा वसूल करते हैं। मतलब काम तो श्रमिक करते हैं, लेकिन श्रमिक को जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन वो श्रमिकों को देते नहीं है, उसमें कटौती कर देते हैं, और यही कटौती जो है अतिरिक्त मूल्य कहलाती है। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी वर्ग जो है वो अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करता है। पूंजीवादी वर्ग का उद्देश्य ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए और श्रमिकों को कम से कम वेतन दिया जाए। आज भी ये व्यवस्था भारत में चल रही है। तो पूंजीवादी वर्ग जो है संघर्ष करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त हो, और श्रमिक वर्ग जो कि वंचित रह जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साधन नहीं जुटा पाता, तो उसका उद्देश्य होता है कि वो बोनस प्राप्त करे, इनाम प्राप्त करे, इसके लिए वो हड़ताल करता है, प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है। और व्यापारी वर्ग नहीं चाहता कि वो इस प्रकार का प्रयास करे, तो दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है। तो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है, और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने की वजह से दो वर्ग बनते हैं, और दो वर्ग जो है वो पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग बनते हैं, और इन दोनों वर्गों में
संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष की वजह से जो है आर्थिक संरचना में भी परिवर्तन आता है, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन आता है। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन कैसे? जैसे पहले उत्पादन उतना ही था जितना उपभोग था, तो उनमें एक समान वर्ग था या वर्ग में साम्य अवस्था थी, लेकिन उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने से अब ये समानता असमानता बदल गई, तो दो वर्ग बन गए। एक के पास तो पूंजी ज्यादा है और एक के पास पूंजी कम है। तो जिसके पास पूंजी ज्यादा है वो अपने संबंध किससे बनाएगा? जिसके पास पूंजी ज्यादा है तो उसके संबंध उसके साथ बने और उसके साथ सामाजिक संबंध बने। जबकि श्रमिक में श्रमिक वर्ग के व्यक्ति के संबंध श्रमिक वर्ग के व्यक्ति से बने। तो हमने देखा कि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने की वजह से उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हुआ और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा कि अंत में आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। और यही सामाजिक परिवर्तन, मेरे कहने का मतलब संरचना में परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और यही कार्ल मार्क्स समझाना चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। तो यह थी जानकारी सामाजिक परिवर्तन की जो कार्ल मार्क्स ने दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।